उत्तर प्रदेश में 2022 का घमासान शुरू हो गया है। चुनावी जो बिगुल है वो बज चुका है। हालांकि पहले चरण का जो मतदान है वो 10 फरवरी को किया जाएगा, जिसका आगाज़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ महानगर से अध्यक्ष पंकज सक्सेना जी मौजूद हैं। हम उसे जानेंगे बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के बारे में, लखनऊ की स्पेशली। कहीं ना कहीं लखनऊ एक प्राइम लोकेशन मानी जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, तो लखनऊ किस तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं पंकज सक्सेना जी, किस तरीके से जो 9 प्रत्याशी हैं उनको लड़वा रहे हैं, किस तरीके से उनकी तैयारियां हैं उसको लेकर के। सर पंकज जी, पहले तो आपसे यही जानना चाहिए किस तरीके की तैयारियां हैं इस बार चुनाव। आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के तहत हम लोगों को पालन करना है, और हम लोग 3-3, 4-4 लोग टोली बना के हम लोग मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, घर घर अपना लोगों को बता रहे हैं। जब जब सरकार रही तो हम लोगों का जो कार्य हुए वो बताया जा रहा है, और हम लोग एक बार हमारे जो प्रभारी हैं एक बार सब लोग घर जा चुके हैं। अब हम लोग दोबारा फिर जाने का काम कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस बार लखनऊ की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी को ही इस बार वोट करेंगे वो लोग, और वोट करने के बाद हमारे जो भी प्रत्याशी प्रभारी हैं उनको जिता कर विधानसभा भेजने का काम करेंगे, और 2022 में माननीय बहन जी को 5वां मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पंकज जी, अगर बात की जाए लखनऊ की 9 सीटों के बारे में, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल अभी तक जो आधिकारिक सूचना है वो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रभारी हैं उनको प्रभारी के तौर पर लोगों से वोट अपील की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं 9 सीटें हैं उनको किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों के रूप में दिखाया। हमारे यहाँ प्रभारी होते हैं जो कि हर विधानसभा में माननीय बहन जी द्वारा नामित हो चुके हैं। उत्तर विधानसभा सबरम मलिक साहब हैं, पूरब से आपके आशीष चंद सिन्हा जी हैं, और आपके मध्य से आशीष चंद श्रीवास्तव जी हैं, और पश्चिम से कयूम रजा साहब हैं, बीकेटी से सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं, कैंट से अनिल पांडे जी हैं, मध्य सारे सीटें हो चुकी हैं हमारे 9 की 9, और मलियाबाद से इंद्रजीत पाथी साहब हैं, और मोहनलालगंज से भी हमारे प्रत्याशी हैं रावत जी। तो हमारे 9 सीटें हैं, प्रभारी है, सब घोषित हो चुके हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, लोगों से मिल चुके हैं 2-2, 3-3 बार। अब प्रोटोकॉल के तहत हम लोग मिल रहे हैं, 5-5 की टोलियां बना रखी हैं, हर लोग अपने घर घर जाके जो जो सरकार ने हम लोग की सरकार जब जब रही है जो जो कार्य हुए हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं, और इस बार पूरी जनता ने पूरा मन बना लिया है हमारे प्रत्याशी जिताने का। पंकज जी, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा है, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके का जातीय समीकरण है लोगों के बीच? अब जैसे हमारा काय समाज है, हमारे काय समाज ने बिल्कुल मन बना लिया है, क्योंकि माननीय बहन जी ने हम छोटे से कार्यकर्ता को लखनऊ महानगर का अध्यक्ष बनाया, जो मैं काय समाज से आता हूँ। अगर बात की जाए पंकज जी 2022 चुनाव की, तो किस तरीके से चुनाव का माहौल है, किस तरीके से लोगों के बीच में, हालांकि जो बड़ी बड़ी रैलियां हैं वो इस बार नहीं होंगी, कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है, तो किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मैसेज किस तरीके से दे रहे हैं? हम लोग 2-2, 3-3 लोग की टोली बनी हुई है, हम लोग घर घर जाके अपनी बात को रख रहे हैं, और जनता पूरी तरह हम लोग को सुन रही है, और वो कह रही है कि इस बार हम लोग कहीं वोट नहीं करेंगे, सीधे हाथी वाले बटन को दबा के इस बार प्रत्याशी को जिताने का मन लखनऊ की जनता ने बना लिया है। धन्यवाद पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज सक्सेना, लखनऊ महानगर अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लखनऊ की 9 सीटें हैं कहीं ना कहीं लोगों का मन और विचार बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और 9 की 9 ही सीटें बहुजन समाज पार्टी इस बार जीत रही है।